झारखंड की शान में लगे तिरंगा को लगी किसकी नजर, दो दिन में तिरंगा हो गया क्षतिग्रस्त। झारखंड वासियों को मिला भ्रष्टाचार का तोहफा, यह मौसम की आफत के आगे नहीं चला किसी का जोर। 4 किलोमीटर दूर से दिखता झंडा, पर 15 अगस्त को लहराया झंडा, 36 घंटे में हो गया क्षतिग्रस्त। जनता पूछी, बताएं कहां रह गई कमी, लाखों खर्च कर देश की शान में लहराया तिरंगा, कैसे बटा कई हिस्सों में 36 घंटे के भीतर। गोड्डा में लहराते तिरंगे पर मौसमी आफत का दिखा असर, लाखों खर्च कर लगा झंडा, सिर्फ 2 दिन में हुआ क्षतिग्रस्त। 1 घंटे की बारिश ने झंडे को कई टुकड़ों में बांट दिया, अब देखें प्रशासन और जनप्रतिनिधि कहां रह गई कमी, जो 2 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज का ये हाल हुआ। कैसे कपड़े से बनाया गया तिरंगा जो 2 दिन भी हवा का भार ना झेल सका। देश भर के कई ऐसे स्थान हैं जहां शान से तिरंगा सालों से लहराता रहा है, न कभी बारिश ने नजर लगाई है, न तेज हवा गगनचुंबी झंडे को नुकसान कर पाया है। फिर क्या हो गया गोड्डा में जो सिर्फ 2 दिनों में ऐसा हाल हुआ, क्या इसे भ्रष्टाचार कहें या लापरवाही, क्योंकि कभी झंडा का डंडा यानी वो रॉड टेढ़ा हुआ जिस पर झंडा लगाया जाना था, फिर आखिरकार वो दिन आया जब झंडा लहराया गया। 15 अगस्त को गोड्डा में नगर पालिका कार्यालय के पीछे करीब 100 फीट का तिरंगा लगाया गया, जिसके बाद कहा गया 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही गोड्डा में लहराते तिरंगे को देखा जा सकेगा। गोड्डावासी राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ महसूस कर रहे थे जब बार बार तिरंगा को आसमान चूमता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब अचानक तिरंगे कई टुकड़ों में बट गया है। राष्ट्र ध्वज देश की आन बान शान है, हम कभी इसे टुकड़ों में बांटने की बात भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बार गोड्डा की जनता या यूं कहें भारत की जनता को भ्रष्टाचार का उपहार मिला है। जब ना चाहते हुए भी हमें दुखी मन से बताना पड़ रहा है कि 15 अगस्त को लगाया गया तिरंगा आज 17 अगस्त को कई हिस्सों में बटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। तिरंगा आसमान को चूमता हुआ राज्य की राजधानी रांची में भी दिखेगा, देश की राजधानी दिल्ली में भी, पर वहां कभी 1 घंटे की बारिश ने इसे क्षतिग्रस्त नहीं किया, फिर गोड्डा में कैसे। इसके जवाब में कहा जा सकता है हवा बेहद तेज थी, लेकिन कपड़े का मटेरियल और सिलाई क्यों कमजोर थी जो कुछ मिनटों की हवा नहीं झेल सकी। गोड्डा की जनता जवाब चाहती है। दिवाकर जी, 2 दिन हुआ झंडा को फहराने से, आज झंडा की इस स्थिति को देखकर आपके दिल में क्या सवाल उठता है? ये एक तरह से जो है झंडा का अपमान है और इस प्रकार नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है ये झंडा जो लगाया गया है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का लगाया है, जिसके कारण कि ये पहले आज पहला बारिश हुआ फहराने के बाद, झंडोत्तोलन जब हुआ है उसके बाद जो ये पहला बारिश है और हल्की सी हवा में जब झंडा का ये स्थिति है तो दुख की बात है। और अगर बारिश होगी तो फिर ये झंडा हमें लगता है कि कई भाग में बटकर जो है नीचे गिर जाएगा और इससे झंडे का अपमान, बिल्कुल प्रशासन को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और त्वरित जो है इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए।